अरे भाई आग में कुछ गिरा है, देखो ना भाई क्या क्या आग में देखो ये चलिए ना देखो आग में दे ऐसा मांगते जैसा आज आज जिंदगी है बहुत। अरे अंकल साहब, अंकल साहब, अंकल साहब। And nobody to make my temperature rise if I leave my truth, I swear. Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं हमारे साइकोटिक प्रैंक वाले वीडियोस। दोस्तों आज भी नया कलेक्शन लाया आप लोग के आगे, तो जरूर वीडियो एंड तक देखें क्योंकि पार्ट वन को जो आप लोग मोहब्बत शेयरिंग केयरिंग दिखाए ना, ये पार्ट टू भी आप लोगों को वैसे ही पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि ये भी आंखों में आपके पानी लाने वाला है। उनपे जाने गए उधर गो बैक साइमन गो बैक साइमन बोल रहा भाई उन्हें गो बैक गोटी खेलने को आते अंकल साहब अब्बा अब्बा सोते हुए शख्स या जानवर के साथ कभी नहीं करना भाई प्लीज, हार्ट अटैक आ जाता। सांप से ज्यादा पोटा चिल्ला रहा भाई जो सांप देख रहा भाई 100 रुपया दे दो हमको भूख लगा है मानो। नहीं होगा भाई ऐसा नहीं है, गुरु को ऐसा कर रहा है ये लोग का अच्छा नहीं होगा है मानो। तू 50 रुपया दे, हमको बाबा को भूख लगा है। अब कमाई करके दियो कि मेरे को मानो, हमको भूख लगा है। भूख लगा तो मैं क्या करूँ, पैसा कमाने आता ना फिर पे देखो भत्सा कर देगा हम। हां भत्सा कर देगा आप चंडाम चंडाम फिर लो है मानो, जो से पता नहीं जा हां मानो भत्सा कर देगा। आशीर्वाद दूंगा हम नमन आरण नो सी। अरे बेटी अब काले कपड़े पहन के मेरे को भी जाना पड़ेगा रोड पे। ए बेटी इधर आ, बेटी सुन, ए बेटी करना पड़ेगा, बेटी इधर सुन, आशीर्वाद दूंगा बेटी। वाह हंस हंस के मेरे को ये गाला दर्द हो रे। वाह क्या आगे बढ़े ये चलिए ना देखो बेचारे इन लोग दूसरे दूसरे शहरों से भाई आईटी कंपनीज में ज्वाइन होने आते हैं, यहाँ देखे तो बाबा यहाँ भाई पौडा ना फेंक के प्रैंक कर रहे हैं। पर हम बैठ के ऐसा घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपन लाइव वीडियो। तो देखो बेचारे लोग हाँ जॉब करने मेहनत करने जा रहे और इसे साइको चारोड़ों पे मिलते रहते। रही बात काम से, याद आया कितने लोग अपने कैरियर जॉब को लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं। अगर आप लोग है ना री लेवल भाई अनअकैडमी कैसा भी चेकआउट करो। अनअकैडमी ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये प्लेटफॉर्म अभी तक 1100 ऑफर्स डिलीवर किया विद अ टोटल पैकेज वर्थ ऑफ ₹75 करोड़। सिर्फ फ्रेशर्स ही नहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपना कैरियर बदले और अपनी ड्रीम जॉब पाए इस पे से। री लेवल भाई अनअकैडमी को मदद करता एक बेहतरीन अपने चॉइस ही जॉब पाने में। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टोरी ले रहे हो सोनिका आहूजा की, जिधर उसने अपने कैरियर को सर्च किया बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स में। जॉब ढूंढने के दौरान सोनिका को री लेवल के बारे में पता चलता है। यहाँ पे वो अपना फ्री टेस्ट देती है री लेवल पर और उसे आज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एट लोमोस एंटरप्राइजेस पे हायर किया गया है। 800 से ज्यादा कंपनीज है अनअकैडमी पर जो कि हायरिंग कर रहे हैं, जैसे स्विगी टाटा और बहुत सारे। री लेवल 11 डिफरेंट कैटेगरीज में मदद कर रही है आपको प्रिपेयर करने के लिए, जैसे सेल्स, एचआर, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ये प्लेटफॉर्म से जॉब ही नहीं दिला रहा मगर इनको पाने के लिए जो टेस्ट है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहा। फॉर्म फिलअप करना है और बात करना है इनके कैरियर काउंसलर से।
जो कि चेक करेगा कि आपके कोर्स का इंटेंट क्या है। डी लेवल के कोर्सेज पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, तो जो भी सीखना चाहता है वो यहाँ पे आसानी से सीख सकता है। जिसका मतलब जो अपना करियर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है या कोई भी अपना जॉब या करियर चेंज करके अपना ड्रीम करियर पाना चाह रहा है तो वो जरूर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। जानना चाहते हैं ज्यादा कैसा फॉलोअप करना है, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए री लेवल चेकआउट करिए और उसके कोर्स। थर्मस के हिसाब से चाय काला होता है। ओह हेल नो, इन्हें भागने वाला है, इसकी पट्टी पड़ी हुई है इसकी। ये थर्मस ऐसा टूटा हुआ है, इसमें चाय कम गया तो चार पांच कटिंग हाथ से भर के देते हैं। कौन हम? और ये काला चाय का क्या? काला चाय नहीं, इसमें थोड़ा दूध कौन डालेगा? ठीक, छोड़ दिया शरीफ है बोल के। क्या चल डाला चल हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग, पागल के साथ कभी आई कांटेक्ट नहीं करना, समझे? कभी पागल के साथ आई कांटेक्ट नहीं करना, नहीं तो उन्हें ऐसा मारता हो जाके। इधर जा, इधर जा, चल। अब्बा, नेवरा रोसनब। मजा आ गया, और पार्ट्स रहना था इसके, मजा आ गया। भाई भाई बोलो, भाई 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 बोलो, भाई 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 यार थोड़ा डरा रहा है यार। अरे अल्लाह अकबर भाई, मेरा सर दर्द रहा हंस के। बस हवा निकल गई। लोग क्या सोच रहे होंगे, सोच रहे ऐसा पागल अगर अपने साथ हुआ, खुली बात मैं रहो कोई भी रहो, पहले फटने का जरा जब होश आती ना, जब वापस मारना दिल बोलता। जब अब ये क्या रहता मालूम है, एकदम अनकैलकुलेटर रहता, आप कोई भी चीज के लिए तैयार नहीं रहते। आधे से ज्यादा लोग इसलिए डरते मालूम भाई, क्यों बोले तो पागल जो है ना उसका ने ताकत बहुत आ जाती, कांसी की गैब से ताकत बहुत आ जाती, और ना कुछ भी करते, उन लोगों को मारे भी तो नहीं होता। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं मेरे भाई के साथ हमला मेहदीपट्टनम हैदराबाद, अब जिसको नहीं मालूम भाई, मेरे को आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी समझते, कहीं को नहीं मालूम भाई तू वापस चले आ, इंडिया के वीडियोस कहीं बना रहा है। अरे यार मैं इंडिया के हैदराबाद में हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ इंडियन हूँ, इंडिया में भी हैदराबाद है वहाँ से हूँ मैं, हैदराबाद बोलते कि लोग पाकिस्तान बोलते रहे। तो मैं मेरे भाई के साथ अच्छा घर को आ रहा था, अब टू व्हीलर पे थे, रात के 11 बज रहे थे शायद, सामान वगैरह पकड़ के था भाई के साथ, एकदम ऐसी आवाज़ आई शप। मैं पलट के देखा तो भाई एक पागल अच्छा पीठ पे मेरे के देखे चले गए। भैया अरे पागल मारी बोले। तो ये तो प्रैंक हो रहा, मेरे साथ प्रैंक नहीं, रियल लाइफ में पीठ पे शिप बोल के पड़ी थी मेरे को पागल से, पहले दिमाग में नहीं पीठ पे बोला, लोग वालों आराम ही कमेंट मारते हाँ भाई तुम्हारे को दिमाग में पड़ा। उधर घर पे जा रहा हूँ ना। देखो रुआब अंदर से फटी पड़ी हुई है, मगर जो रुआब दिखा रहा भाई देखो भाग दिखा। पागल प्रैंक बाय बीआर ब्रदर्स, बाय बी ब्रदर्स। ये प्रैंक इसलिए मेरा फेवरेट है भाई, साइको प्रैंक सबसे जेन्यून, और जो फाड़ते हुए सूरत रहती ना लोगों की इसमें दिखती। हाउ कम कैमरामैन दिख रहा नहीं, इनविजिबल है, इन्हें भागने वाला है, उसकी सूरत से देखो, उसकी सूरत देखो, उसकी सूरत देखो। और थोड़ा जल्दी भागना था इन्हें, मजा आ जाती। जल नहीं हो गया इस आदमी, जल नहीं है।
आज जनरल के ऑब्जेक्ट कहां गए ऐसे प्रैंक हैदराबाद में करे ना भाई, पब्लिक को पकड़ के अपन बोले कैमरा इधर है, प्रैंक भी हो बोले तो वो मारती वेस्ट बंगाल में अच्छे ब्लाइट प्रैंक होंगे। हां बोलूंगा, नमो विष्णु नमो नारायण। ए भाई ए भाई ए ए भाई ए ए बेटी इधर सुन, बेटी ए भाई ए बेटी इधर सुन, ये वृंदावन का मुख्य क्या है? वो बेटी हां भाई बोलो, मैं सुन नहीं हूं, मैं गैर कौन नहीं हूं। जब रुक के मैं सुननी हुआ रहा था, उसके आगे क्या बोला मेरे समझ नहीं आया। आप लोग समझ आया तो कमेंट करो, मैं वाई फोल्ड नहीं हूँ। तो दोस्तों देखो, बहुत मजा आया मेरे को। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे दिखे, थोड़ी भी अच्छे दिखे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, उन्हें भी जाके चेकआउट करें आप। बेल आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आए। और दोस्तों प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, 2 लाख पहुंचा दो इंस्टाग्राम पे भी, ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स के करीब हूं, तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और वहां पे हम टच में रह सकते हैं, ढेर सारे आप टॉपिक्स भी वहां मेरे को भेज सकते हैं। हॉरर कंटेंट मैं बैक टू बैक आप लोग के आगे लाऊंगा। दोस्तों प्लीज एक लाइक भी ठोक दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। अपना करियर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, या कोई भी अपना जॉब या करियर चेंज करके अपना ड्रीम करियर पाना चाह रहा है, तो वो जरूर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। जानना चाहते हैं ज्यादा कैसा फॉलोअप करना है, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, रीलेवल चेकआउट करिए और उसके कोर्सेस। दुआ में याद रखिए मुझे, फिर आऊंगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा।